हाँ तो आगे सर स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हाल ही में चल रही कंट्रोवर्सी बागेश्वर धाम सरकार उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री। ये एक संत जिनकी सफर 4 साल से तैयारी है। उनका मेन उद्देश्य मोटिव ये रहता है कि हिंदू सनातन धर्म का प्रोपोगंडा करना और ये आसान भाषा में कहा जाए तो हिंदू सनातन धर्म से लोगों को जोड़े रखना और रिलीजियस कल्चर के प्रति लोगों का समर्पण प्यार आदर सम्मान बढ़ाना या बनाए रखना। बेसिकली ये ट्रोल इसलिए किया जा रहा है इनकी सभा के बाद ये लोगों को बुलाते हैं, उनकी परेशानी हल पहले से एक पर्चे पे लिख देते हैं। उनका कहना है उन पे बालाजी हनुमान जी की कृपा है जिस कारणवश वो ये कर सकते हैं। ये हमने बना लिए हैं 4 पर्चे एक साथ, 4 पर्चों में 4 लोगों को बुलाएंगे। जो व्यक्ति जो पर्चा उठाएगा वह जो प्रश्न बोलेगा उसी का पर्चा वह उठाएगा, किसी दूसरे का नहीं उठा सकता। कहां से आए, कहां पड़ता है? यही अशोकनगर जिले में। माइक नजदीक करो जरा मुख्य। आप उनको पहले से पहचानते थे क्या? उनको जो पुलिस में है आप हमें जानते? पहले मिले? पहली बार प्रश्न पूछो, क्या विषय है आपका? जी, इन चारों में से आप एक पर्चा चुनिए। अब देखिए ये इनका विषय है, चूंकि इनकी भाषा में समझ में नहीं आई इनका प्रश्न क्या है, लेकिन पर्चा बोलेगा कि ये क्या पूछने आए। अब पर्चा पढ़िए। पेट पीड़ा, घर में धन की दिक्कत, नाश हो गया है 2013 से, पूरा घर बर्बाद है, घर में बाधा है, धन नहीं रुक रहा, अनाज नहीं उगता है। क्या नाम है आपका? पढ़ो, इधर पढ़ो, आपका नाम हरी सिंह है। क्या बोल रहा है पर्चा? यही बोल रहा है, एकदम सही। इस चीज को लेके कुछ लोगों का कहना है ये पाखंडी है, ये कोई चमत्कार नहीं करते, ये अपने ही लोगों को बुला के अंधविश्वास फैला रहे हैं वगैरह वगैरह। बेसिकली ये न्यूज में हेडलाइन ट्रेंड बन चुका है कि ये पर्चे लिखने वाली बात सच है या गलत, बाबा जी सभी को चमत्कार करते हैं या नहीं। इसी बात को साबित करने के लिए बाबा जी ने क्या किया देखिए। बालाजी की प्रेरणा से 2 पर्चा लिखे हैं, हमें पता नहीं है किसके पर्चा है, पर्चा नंबर भी हमने इसमें डाला है। ये पर्चा नंबर 1 है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पर्चा नंबर 2 है। अब कोई भी पत्रकार 2 व्यक्ति ले आवे, कोई भी पत्रकार, कोई भी, आप लोग निर्णय कर लो, वरना ये हो जाएगा कि हमने बोला। ठीक है, वहीं लो, आना नहीं, हमारे पास नहीं आना है। अब आप जो है चले जाओ और किसी को भी एक एक दो जने उठा के ले आओ, इनको भेज रहे हैं। आप आइए बहन, बहन आप आइए, आप जुड़े तो नहीं है भैया पहले से इनसे? बहन बैठ जाओ, माइक लो। कहाँ से हो आप? रायपुर छत्तीसगढ़ कोटा से हूँ। ताली बजाओ। अब देखिएगा, ये अद्भुत बात ये है कि हमने बिफोर टाइम लिख करके रख लिया और हमने कहा कि आप एक व्यक्ति को उठा कर लाइए। अब आप प्रश्न करिए पहले। बागेश्वर धाम की। आप यहीं खड़े रहिएगा, प्रश्न करिए, जाना नहीं है नीचे। मेरी बच्ची 2016 साक्षी माखीजा, जो कि उसके पापा ने बताया कि मैंने उसे मार के बोरी में डाल के ट्रेन में छोड़ दिया था, लेकिन आज तक उसकी बॉडी तक नहीं मिल पाई है। मेरा एक बच्चा पाई जाए, मेरा उससे तलाक हो चुका है, 2 बच्चे मैं परवरिश करती हूँ दोनों की, आर्थिक स्थिति भी मेरी बहुत डाउन है। आप यहाँ रहती हैं, आप पढ़ाई लिखाई क्या है आपकी? मैं पढ़ाई ज्यादा तो नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मेरे बच्चों की जवाबदारी से मैं खाना बनाने। हमारे पास पत्रकार महोदय 2 नंबर तक के, वहीं खड़े रहिए, यहीं 2 नंबर तक के पर्चे हैं, 1 नंबर 2 नंबर। इन्होंने जो प्रश्न बोला आपके ही आधार पर लेकर के आप आए हो, अब आप ही बताइए इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा खोले, जिस नंबर का खुलवाओगे उसी में इनका प्रश्न मिलेगा। देखिए यहाँ पे अब ये भी बाबा जी 1 नंबर का पर्चा, मतलब बिफोर टाइम लिखा सो तो ठीक, 2 नंबर तक के पर्चा हैं, तुम 1 को कहोगे तो 1 में इनका प्रश्न, 2 को कहोगे तो 2 में है, और तुम बोलोगे वही जो हमारे बालाजी बुलवाएंगे। लगाओ अपनी बुद्धि और तर्क, लगाओ अपना दिमाग और अपनी न्यूज, कौन सी न्यूज है? टाइम्स नाउ भारत। लगाओ अपना विवेक, और आपके लिए यह अद्भुतता का विषय है कि ऐसा कैसे। बिल्कुल ये अद्भुतता है। और आप बताओ, आप तो सीधा नंबर बताओ, समय बर्बाद होगा। 1 नंबर 2 नंबर खुलवा लो। नहीं 1 नंबर, 2 नंबर खुलवा लो। नहीं 1 नंबर, हमारी नाक बच जाए। चलिए 2 नंबर खोल दीजिए। नहीं एक ही है। चलिए 1 नंबर खोल। फाइनल फाइनल लॉक लॉक, 2 तो नहीं, नहीं 2 नहीं, 2 करवा लो। नहीं एक ही, नहीं एक ही, फाइनल फाइनल। ये 2 नंबर का हम रख लेते हैं। और ये कितने नंबर है? 1 नंबर। थोड़ा ज़ूम करवा सकते हैं? करवाओ करवाओ, कर ले भैया ज़ूम। कितने नंबर है आप बोलिए? अच्छा नजदीक आइए, माइक नजदीक रखिए। इनका माइक चालू नहीं है क्या? है। आपने यहाँ किसी को बताया तुमने? पर्चे तो नहीं, आप पढ़ी लिखे, हमने लिखा आपकी बेटी का मर्डर हुआ जिसका रहस्य खुलेगा, बालक अपंग है, शरीर में शिथिलता है, झटका बनते हैं, ठीक होगा, वर्तमान में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, आपका तलाक आपकी स्वयं की गलती व विवाद के कारण हुआ है, जिसमें आपका पक्ष बहुत ज्यादा गलत था, आप ओवर बोल गई थी जिससे विवाद बना था, और भी एक गुप्त कारण है वो रहस्य बताने योग्य नहीं है और आप भी नहीं चाहती कि वो बताएं, क्योंकि कोई और मैटर था जिससे तलाक हुआ था, तो गलत आप हैं, रहस्य बाद में खुलेगा, ये ठीक होगा, आशीर्वाद है। बाबा जी बेटा ठीक हो जाएगा मेरा। एक हमने इसमें मंत्र लिखा, झाड़ा हम लगा देते हैं। इस चीज से ये तो क्लियर हो गया बाबा जी कोई ढोंग नहीं करते, उनकी पर्ची पे लिखने वाली बात सच है। और देखा जाए तो इस पे विश्वास करना लोगों का थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे भारत देश में से कई सारे चमत्कार होते हुए जिनका जवाब आज साइंस के पास भी नहीं है, जैसे मेहंदीपुर बालाजी, राम सेतु और क्या क्या नहीं। तो फिर मीडिया बागेश्वर धाम के पीछे ही क्यों पड़ी है? क्योंकि उन्हें TRP मिल रही है, जहाँ देखो वहाँ यही खबर मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। और ये बात यही खत्म नहीं होती, न्यूज वाले क्या कर रहे हैं, कुछ मैजिशियन को अपने शोज में बुला रहे हैं और ये बात साबित करना चाहते हैं ये कोई चमत्कार नहीं है,
ये माइंड रीडिंग ट्रिक है। वो तो माइंड रीड करते हैं जो चीज ये भी बोलते हैं, भले वो बोलते कि वो माइंड रीड नहीं करते, कृपा है और उसकी वजह से ये हो रहा है, तो वो जो एस्पेक्ट है वहां पर हम बोलते कि अरे हाँ ये जो कला है ये हमारी कला से मिलती जुलती है, ये जो कला है ये कला हम भी करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि मेरे पे कोई कृपा है, जिसे हम एक कला का नाम देते हैं, कला है, एक साइंस है, टेक्नोलॉजी, ट्रिक, जो बोलना है बोल दीजिए। आज से 5 साल बाद क्या करना चाहोगे? माइक में आपको बोलना नहीं है, आपको ये बात सिर्फ अपने मन में सोचनी है। वास्तविकता के साथ जागो, शराबी दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। हम पहले पर्चा लिख लेंगे, जिनको हम अभी तक बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते हैं, लेकिन आप जिनको लेकर के आएंगे उसी का पर्चा का प्रश्न लिखा मिलेगा। और अब मुझे एक चीज बताओ, 5-10 मिनट लगा के तुम एक इंसान के मन की बात जाके कुछ एक शब्द लिख रहे हो, और दूसरी तरफ वो बंदा लोगों को बुला के उसकी जल्द की प्रॉब्लम सॉल्यूशन एक पर्चे पे लिख दे रहा है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और वैसे भी धीरेन्द्र शास्त्री धर्म को जोड़ने की बात करते हैं, ना ही उसे तोड़ने की, और ना ही किसी दूसरे धर्म का विरोध करते हैं। लोगों से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? माना कि तुम्हारा टीआरपी से घर चलता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम कोई इंसान को इतना टारगेट करोगे। बागेश्वर धाम सरकार ये कभी नहीं कहती कि उन्हें दान दक्षिणा दो, लेकिन फिर भी जो लोग खुश हो कि उन्हें दान करते हैं, वो उस पैसे से सोशल वर्क करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, कई कई लड़कियों की शादी करा चुकी है उन्हें बिना किसी दहेज के। 121 गरीब बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम की दान पेटी के रुपयों से करवाया जाएगा। सब कोई मंदिर बनवाता है, हमने सोचा हम मंदिर नहीं, हम कैंसर हॉस्पिटल बनवाएंगे। एंड एनीवे संपर्सरी सेइंग गुड थिंग अबाउट हिंदू सनातन धर्म एंड ही इज टॉकिंग अबाउट पीपल कनेक्टेड टू देयर रिलीजन, देन व्हाट इज रॉन्ग? कुछ लोग इसका सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग इसका बदनाम करेंगे, भड़काने का काम करेंगे, और वैसे भी कुछ लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, और ऐसे लोग तो करते रहेंगे हमारा जीना हराम। बट वी ऑल से जय श्री राम।